जय हिंद दोस्तों, मैं सद्दाम वारिस वासिया एजुकेशन अब मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए फिर से एक बार आज हम पढ़ेंगे एनटीपीसी के व्यू से डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में डिटेल आज पढ़ेंगे हम लोग। तो ये चैप्टर सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं एसएससी एनटीपीसी बैंकिंग वगैरह जितना भी एग्जाम होता है सभी का ये सिलेबस में हमें पढ़ना है। तो आइए आज हम ये कवर करते हैं चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन, और इसको हम बार भी बोलते हैं या हम बार का यूज करना भी सीखेंगे इसमें। क्या बार का यूज करना, देखिए कैसे होता है मेरे प्यारे दोस्तों डेसिमल फ्रैक्शन में बार का यूज। तो आइए वही ट्रिक अपनाते हैं, दो मिनट दो सेकेंड, दो स्टेप दो सेकेंड। आइए दोस्तों, प्यारे दोस्तों मेरे, नाइन में इससे भाग देंगे तो कितना होगा, जीरो नहीं जाएगा, जीरो बैठा दिया, नौ दुनिया अठारह, नौ दुनिया अठारह, नौ दुनिया अठारह, नौ दुनिया अठारह होते जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, टू बार लिख देंगे तो इसका मतलब हुआ इसके बाद एन अप टू इंफिनिटी तक टू ही आएगा। तो हमें यहां टू बार लिख दिए मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बहुत कम समय में वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं, बहुत बहुत अच्छे से बहुत कम समय में समझाने की आपको कोशिश करता हूं। तो इस फॉर्म में, इस फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ा, जीरो, इस फॉर्म ऐसे तरीका है कि टू का बार लगा देंगे भाग देकर, और हमें वापस इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है। तो क्या करेंगे, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, दो के बाद कितने पर बार है, केवल दो पे है, तो दो रख देंगे भागे कर देंगे, कितने पे बार है, केवल दो पे बार है ना जी। तो हम लोग के बाद कितनी संख्या में बार है, दो पे बार है, तो हम एक नाइन लिख देंगे इसके बदले में, कितना एक नाइन लिख देंगे। तो हो गया मेरे प्यारे दोस्तों टू बटे नाइन, है ना धमाकेदार। ये देखिए टू बटे नाइन, जीरो पॉइंट टू 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 टू, अब तो इन्फिनिटी तक जाएगा ये। हमें क्या करना है, इसको बार के फॉर्म में लिख देना है, इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि अब टू इन्फिनिटी तक टू 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 ही जाएगा। अब चलिए इस फॉर्म से इस फॉर्म में तो आ गए हम, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में जाना है, तो जीरो पॉइंट टू, टू के बाद पर बार है, ठीक है, एक ही बार है, तो टू को एज इट इज लिख देंगे और भागे जितने पे बार रहेगा उतना नाइन रहता है, तो नाइन कर देंगे। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं, इसको भाग दीजिए तो छह अठे अड़तालीस, यानी जीरो प्लस जीरो जाएगा, दशमलव भाग नहीं लगेगा, तो पचास हो गया, छह अठे अड़तालीस, दो बचा, दो आया ना इसके बाद, तो छत्री अठारह, उसके बाद फिर दो बचेगा, छत्री अठारह, छत्री अठारह, छत्री अठारह, आपको इन्फिनेटिव, तो ये कैसे कितना आएगा, जीरो पॉइंट एट, और तीन अप टू इन्फिनेटिव तक है, तो तीन पे बार दे देंगे। इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन चलिए आगे बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 25 भागे 33, ये क्वेश्चन जो है 25 भागे 33 है, तो इसको जब हम भाग देंगे तो 0.10 टाइम की बचत होगी, आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 75 75 75 तक आते जाएगा, यानी दो अंक रेगुलर रिपीट कर रहा है, तो 0.7575 पे बार हो जाएगा, क्योंकि 75 अप टू इंफिनिटी तक रिपीट करते चला जाएगा, कहीं रुकने वाला ये नहीं है, इसको रोकने के लिए हम यहाँ बार लगा दिए। हमको ये समझ में आ गया कि बार लगाने के बाद ये क्या है, ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, ये इंडिकेट बार क्या करता है कि 7.75 75 75 क्या अप टू इंफिनिटी तक चला जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं, 11 बाई 9 में धमक धमाकेदार है, इसमें क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम करेंगे तो 1.2 करके डिवाइड करके देख सकते हैं, 2 2 2, देखिए जैसे 9 एकम 9, दशमलव, दो बचा, नौ दुनिया अठारह, दो दो बचते जाएगा, ये अप टू चला जाएगा, तो यानी 1.2 पे कितना रहेगा, बार रहेगा। कुछ नहीं करना है, जो बार बार रिपीट करेगा उसमें बार लगा देंगे। आगे बढ़ते मेरे प्यारे दोस्तों, बोल रहा है ये किसके बराबर है, 09 09 09 रिपीट कर रहा है, तो 0.09 रिपीट कर रहा है, तो इसमें बार लगा दीजिए, ये इसके बराबर है ना धमाकेदार। आगे बढ़ते मेरे पास, तो दोस्त मैं आपको तुरंत समझाऊंगा बहुत कम समय में, आइए देखते हैं इसको, 0.8 ये वाला रूल लगा देते हैं, 8/9 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, है ना धमाकेदार, क्योंकि एक आठ है, आठ पे बार है, तो बट्टे में कितना रहेगा, जितने पे बार रहेगा उतना नाइन रहेगा। इसमें आइए दो पे बार है, यानी 35 35 को एडजिटिव लिख देंगे, और बार दो पे है तो दो नाइन रहेगा, हो गया मेरे पास दोस्तों। आइए इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, 57 माइनस 7
एक मिनट, 57 होल 57 लिख देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और कितने पे बार है, जिस पे बार नहीं रहेगा उसको माइनस कर देते हैं, पांच पे बार नहीं है तो पांच को माइनस कर दिया, और फिर एक संख्या पे बार है तो एक नाइन रहेगा, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना जीरो रहेगा, यानी नाइन जीरो है। क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, 57 इज लिख दिया, इसमें से 5 माइनस कर दिया, मतलब जितने पे बार नहीं है वो माइनस हो जाएगा, और जितने पे बार है उतना 9 रहता है, तो एक नाइन, एक पे बार है, एक संख्या पे बार है तो एक 9 हो गया, और जितना संख्या पे बार नहीं है उतना 0, यानी एक संख्या पे नहीं बार है तो एक 0 से कर दिया। अब इसको कर दीजिए, कितना आएगा, 57 में से 52 बचेगा, 5 जाएगा तो 90 है ना, धमाकेदार मेरे प्यारे दोस्तों, है ना धमाकेदार ट्रिक। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं, ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखिए इसे तो हम लोग का पहले 2 है ना, इसके लिए अलग ट्रिक है, इसके लिए क्या करेंगे हम 2 को प्लस में रख देंगे और 3 पे बार का रूल लगा देंगे, 3/9 है ना धमाकेदार। चलिए अब इसको 3×9 1/3, 2+1/3 कितना होगा, 7/3, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना ही आएगा, 7/3 आएगा। क्या किया मेरे प्यारे दोस्तों, 2 को एजिटेड जोड़ में लिख दिया, 2 प्लस और 3 पे बार का रूल लगा दिया, कैलकुलेट करेंगे तो 7/3 आएगा, है ना धमाकेदार, मजा आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 14.73, तो 14 प्लस में रहेगा, 7/3 वही रूल लगेगा, 2 बार है 2 7/3 का एजिटेड लिखेंगे, और इसमें 2 बार है तो 2 9/9 यानी 99। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए डायरेक्ट लिखने का भी तरीका होता है, 14 प्लस इतना है, ये हम आपको स्पेशल पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर बताएंगे, 14/73/99 लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया, है ना धमाकेदार दोस्तों ट्रिक। आगे देखिए क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट ये क्या है, 2.753। अब इसमें इस केस में क्या करना है, 2 को जोड़ में लिख देना है एज इट इज, 2 का क्या करना है ऐड में लिख देना है, अब इसमें रूल लगाना है, इसमें क्या रूल लगेगा, 753 को एजिटिज उतार देना है, कितने पे बार नहीं है उतना माइनस हो जाएगा, 7 पे बार नहीं है 7 माइनस हो गया, 2 बार है तो 99, 1 पे बार नहीं है तो 1 0 है ना धमाकेदार। चलिए तुरंत कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 2 प्लस इसमें से 7 जाएगा तो 746 आएगा, 990, इसको पूर्णांक में लिखे तो 2.746/990, यहाँ जो ट्रिक बताया था, ठीक है दोस्तों इसको स्पेशल पढ़ाएंगे भी, इतना के लिए भी इतना ही, थोड़ा ऊपर लिख देते हैं सर ना आ रहा हो, 2.746/990 ये आंसर हो गया इसका, है ना जबरदस्त। तो वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर दूसरा धमाकेदार लेके मैं तब तक आ रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों ये मिट गया है तो मैं दोबारा इसको ऊपर बता देता हूं, आइए इधर कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2.753, 53 पे क्या है बार है, अब देखिए रूल लगाते हैं, 2 को प्लस में लिख देंगे, 753 एज इट इज लिख देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 7 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि 7 पे बार नहीं है, 2 पे बार है तो 2 9, और जिस पर जितना पे बार नहीं है उतना 0, 1 पे बार नहीं है 7 पे केवल नहीं है तो 0 लगा दिया। अब आइए मेरे प्यारे दोस्तों, 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 746/990, अब इसको पूर्णांक में लिखना डायरेक्ट, 2.746/990 ये आंसर हो गया 11 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर। दोस्तों वीडियो को पॉज करिए, राइट डाउन करिए, फिर धमाकेदार ट्रिक दूसरा क्वेश्चन लेके तब तक आ रहा हूं आप लोगों के सामने। मेरे प्यारे दोस्तों मैं एक बार फिर से सद्दाम वाले साहब लोगों को स्वागत करता हूं। देखिए अभी अब ऑप्शनल क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.27 किसके बराबर है, 0.27 दोनों पे बार है तो 27 लिख दीजिए, और जितने पे बार है उतने से उतना 9 लिख दीजिए, यानी 27/99 इसको काट दीजिए, 3/27, 3×9 3×9 3×9 3×3 3×3 3/11 किसके बराबर है, ए ऑप्शन के बराबर है, है ना धमाकेदार। दोस्तों मैं बिल्कुल टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0.151515 यानी 0.15 बार हो जाएगा, यही मतलब हुआ, पढ़ चुके हैं बार का मतलब क्या होता है। अब आइए
इसका कैसे लिख सकते हैं हम, 15 को एज इट इज बटे 29, दो बार है तो दो पे बार है तो 29 लिख दिया, 15/99 इसको काट दीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 5/33, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन ए मैच कर रहा है, हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1.6 बार किसके बराबर है, इसको रूल क्या है, 1 को एज इट इज लिख देंगे, जोड़ देंगे, कितना 6/9, एक पे बार है वही बार वाला रूल लगा देंगे, 1 को जोड़ देंगे, 10 हम लोग को पहले वाला जोड़ देते हैं, 6 × 3 = 9, यानी 3 + 2/3, 5/3, 5/3 किस में है, बी में, बी ऑप्शन हो गया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं, 0.4 का वर्गमूल क्या होगा, लिख लेते हैं 0.4 बार, बार का मतलब क्या होता है, 4/9 हो जाएगा, रूट अंडर कर दीजिए, वर्गमूल का मतलब 2/3, कौन सा ऑप्शन है, 2/3, आइए डिवाइड कर देते हैं, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6 × 6 = 18 आएगा, यानी 0.6 बार आएगा, 0.6 बार किसमें ऑप्शन है, ए में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 0.1111 का मान कितना है, 1/9, तो 0.666 का मान किसके बराबर है, तो आइए देख लेते हैं, 0.6666 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, तो पता है ना 6 कॉमन ले लेंगे, 0.11 अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, 0.11 का मान दे रखा है कितना, 1/9 रख देते हैं, 6 × 1/9, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, कितना है, 2/3, 2/3 किसमें है देख लेते हैं, ये है सी नंबर ऑप्शन, आंसर आ गया। आइए मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल है, ऐड कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, 7, क्योंकि दोनों पे बार है तो ऐड कर सकते हैं, तो 7 × 7 = 5, 12 × 2 और 3 × 3 = 6, 7, बस इधर 0, 7, 2, अब 7, 2 का मतलब क्या हुआ, 0.72 पे बार है तो 7, 2 का एज़ इट इज़ लिख देंगे और 9, 9 दो बार लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दो पे बार है तो 72/9 आ गया, बी आंसर है ना, धमाकेदार दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है, एनटीपीसी आपका निकल के रहेगा इस बार, ऐसा ट्रिक की दुनिया में आपको लेके चला हूं, 2 स्टेप 2 सेकंड आंसर आ जा रहा है ना, नहीं दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त ट्रिक, और भी क्वेश्चन देखते हैं करके, और तब तक आप वीडियो को पॉज करिए और राइट डाउन करिए, चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक फिर मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों आइए फिर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी तक कितना क्वेश्चन कर चुके हैं, अभी तक हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं, आप 7 क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों पिछले में भी ऐड करना था, मैं पिछले में भी क्या करना था, ऐड करना था, तो ऐड करने के लिए हमने क्या किया था, डायरेक्ट ऐड कर दिया था, इसलिए कि दशमलव के बाद 2 अंक था, उसको ऐड करने के बाद 2 ही अंक आ रहा था, इसलिए डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया, इसलिए आंसर आ गया। लेकिन मेन मेथड मेन रूल इसमें तीनों अगर जो दोनों को जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, तो डायरेक्ट हम ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम एक रूल से ऐड करेंगे, रूल का यह है कि सबको पार्टिकुलर अलग अलग लिख लेंगे, लिख लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 0.35 बार, बार को 0.35 को बार क्या लिख सकते हैं, 35 को 29 हो जाएगा, डबल है डबल बार, डबल पे डबल संख्या पे बार है तो इस पर प्लस 37 है सही, 9/80/9, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 99 नीचे हो जाएगा, 35 + 37 + 80, अब 7, 5, 12, 12, 8, 1, 9, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 152/99 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है मेरे पास दोस्तों, ए नंबर आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या करना है, चलिए करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 63/99 लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 35 दशमलव के बाद 2 अंक पे बार है तो 35 को एज़ इट इज़ बटे 99, दो बार 99 × 9, आइए इसको सिंपल 99 हो जाएगा, हर सेम है, हर सेम रहेगा तो लघुत्तम वही होता है, ठीक है, उसके बाद एज इट इज ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, 63 + 35 × 9, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 × 3 = 8, 6 × 3 = 9, 99 × 9, अब ये कट कैंसिल कर दीजिए, 9 × 9 = 98/11, कौन सा ऑप्शन है मेरे पास दोस्तों, ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी होगा इसका, ले 11 कर देते हैं, कितना हो जाएगा,
9 एकम 9 ग्यारह बार में कटेगा 99/11, कोई भी ऑप्शन नहीं था इसलिए हमने डी ऑप्शन को बना दिया, ये ऑप्शन आपका आंसर सही है। आइए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3.87 - 1.18, अब ये क्या है, सिंपल घटा देना है कि घटाएंगे तो दो अंक में तो दो ही अंक में रहेगा, सिंपल घटा दिए, 7 17 हो गया, 9 8 17 9 हो गया, एक हासिल इसको दे दिया, यहाँ 7 बचे 7 में से एक जाएगा तो 6 बचेगा, और यहाँ 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, सिंपल 2.69। कौन सा आंसर मैच कर रहा है, सी मैच कर रहा है, ये मैंने पहले ही लिख दिया था आपका समझने के लिए, 2.69 हमें क्वेश्चन था क्या होगा, तो सिंपल घटा देंगे, क्या घटाएंगे, 8 7 हासिल लिख लेगा 17 9 8 17 9 8 17, और यहाँ 8 है एक हासिल दे दिया तो कितना बचा, 7 बचा, 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, इस पे बार लगा दीजिए, 3 में से एक जाएगा 2 बचेगा, सी आंसर होगा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.2 × 0.03, 1.2 को कैसे लिखेंगे, 1 + 2/9, वही रूल लगा देंगे, बता चुके हैं आपको रूल क्या करना है, 1 को जोड़ देना है, 2 पे बार है तो इसका रूल लगा देंगे, 2/1 ची संख्या है तो 9, सिंगल 9 रहेगा, ये हो गया गुने 0.03, तो 03/99 हो जाएगा, सिंपल रूल लगा दिया हमने, क्या है दो संख्या है तो दोनों संख्या को एडिट लिख देंगे और बटे 2 double 9 कर देंगे, तो 2 संख्या पे 12 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लीजिए, 3 * 9 = 9 कितना आया, 1/33 हो गया, इसको पहले जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 9 2 = 11/9 ही आएगा गुने 1/33। अब मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, जब गुना है ठीक है गुना कर देते हैं, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, अब आइए कर लेते हैं, 11 * 33 = 9 * 27 1/27 1/27 किस ऑप्शन में है, ये वाला है ए आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करना है, भाग देना है तो 3 अंक पे 12 तो 3 अंक को आज लिख देंगे 3 3 5/999। अब चलिए भाग है तो भाग दे देते हैं, 670 तीन संख्या पे है तो 3 संख्या नीचे भी आएगा 999। अब क्या करना है, इस पे भाग दे दिए ठीक है, अब भाग को गुना में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 335/999, गुना का लगा देंगे तो ये पलट जाएगा, पता है आप लोगों को 999/670, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये दो बार में जाएगा, कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2 किसके ऑप्शन में है, बी में, बी आंसर आ गया, है ना धमाके के दाद। तो आज हमने क्या कवर किया, डेसिमल फ्रैक्शन, ऐसा ही आपके सामने मजेदार वीडियो में लाता रहूंगा, लेकिन हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक वॉल पे जाकर शेयर करिए, ट्विटर पे जाकर शेयर करिए, खासकर ज्यादा लोग फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक वॉल पे जाकर शेयर करिए, और खास बात दोस्तों मैं वारसिया एजुकेशन और फेसबुक पे मेरा पेज भी है तो वहां से भी आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां भी जाकर पेज को लाइक कर लीजिए ठीक है, वहां से भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अब कोई भी वीडियो डालता हूं तो वहां भी पोस्ट करता हूं तो वहां से भी YouTube का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि हाँ YouTube पर मैंने वीडियो डाला, वहां से आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा क्योंकि वहां भी मैंने YouTube पे जो जिस नाम से पेज है हमारा पास एडुकेशन हब, उसी नाम से मैंने Facebook पर पेज बना रखा है, वहां अपने वाल पे जाके पोस्ट करता हूं तो पेज पे जाके पेज के वाल पे पोस्ट करता हूं तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही, ऐसे ही बने रहिए, आज आपको NTPC जरूर निकलेगा क्योंकि वही साथ आपका लेकर चल रहे हैं और जबरदस्त ट्रिक आपको बता रहे हैं, आपका साथ ऐसे ही मिलता रहा तो आने वाले दिनों में मैं सारा चैप्टर कवर करूंगा मैथ का। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जरूर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों, ओके जय हिंद, थैंक यू।